बिहार के गया में पूर्व सांसद स्वर्गीय ईश्वर चौधरी की 32वीं पुण्यतिथि पूर्व सांसद कृष्ण कुमार चौधरी के निवास पर मनाई गई। पुण्यतिथि की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा एवं क्षेत्रीय प्रभारी प्रमोद चौधरी ने की और पूर्व सांसद को नमन करते हुए पुष्प अर्पित भी किए गए। एमपी के लिए उम्मीदवार घोषित हो, साथ ही साथ यह भी कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता अब किसी को थोपने की कोशिश किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ का जो लोकल जो नेता हैं और यहाँ का जो लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दें, उसमें प्रमोद चौधरी सबसे सक्रिय है, कार्यकर्ता है, इसको मिलता है तो किसी भी का भी ये नहीं है कि वो कोई हरा सकता है। इसलिए निवेदन करते हैं इस बात को ऊपर तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद। प्रतिनिधि को प्रतिनिधि संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है और कुछ लोगों ने अपना वक्तव्य भी दिया है, उनके साथ गुजारे हुए समय के बारे में बताया है और आज हम लोग ये प्रण करते हैं कि उनके बताए गए नक्शे कदम पर चलेंगे और उन्होंने जो सपना छोड़ा था हम लोग उस सपने को पूरा करेंगे। और हमारे छोटे भाई प्रमोद कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं सुबह में हम लोग हॉल्ट में माल्यार्पण किए थे जहाँ पर उनकी प्रतिमा है। आज यहाँ पर उनके आवास पर भी हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर देव कुमार चौधरी करके क्या ठीक है, अभी मेयर में उनको नहीं दिया गया टिकट, नहीं समर्थन दिया गया, लेकिन एक कोई कार्यकर्ता नया नया क्षेत्र में आकर के कोई 11,000 वोट यहाँ पर नहीं होता है, 11,000 वोट उठाना, आप तृतीय रहे, प्रथम द्वितीय के बाद तृतीय, इसलिए जनता का मांग है इस परिवार से, जनता चाहती है कि कोई उस परिवार से उभर कर नेता बने। आने वाले समय में इनके परिवार से कोई सांसद या एमएलए के लिए तैयारी कर रहे हैं? प्रमोद चौधरी जी हैं, हम लोग भी प्रयासरत हैं कि उनको कहीं न कहीं स्थान दीजिए। ठीक है चुनाव में टिकट नहीं दे रहे हैं आप, तो कहीं कहीं स्थान दीजिए, उनका भरपाई किया जाए, राज्यसभा है, विधान परिषद है, कहीं न कहीं उनको स्थान दीजिए। ईश्वर चौधरी जी के लिए स्मरण के लिए एक हॉल्ट भी यहाँ पर है मानपुर में, हाँ, है। के लिए उसके सौंदर्यकरण को लेकर बहुत सुरेश राम जी को इन्होंने पहली बार 1971 में चुनाव हरा कर दिल्ली के सदन में पहुँचने का काम किया और इन्होंने गया संसदीय क्षेत्र से 3 बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ से चुनाव जीतकर सदन को सुशोभित करने का काम किया। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चुनाव के दरमियान जब यह चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे तो कोच प्रखंड के कठौतिया गांव में आज ही के दिन इनकी हत्या कर दी गई थी और आज उनके हत्या हुए 32 साल हो गया है और आज भी उनकी स्मृति जो है पूरे लोगों में जीवंत है, अमर है। आज के मौके पे गया जिला के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने का काम किए हैं। प्रतिनिधि, मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का क्षेत्रीय प्रभारी हूँ और दिवंगत आत्मा श्रद्धेय ईश्वर चौधरी जी का अपना भतीजा।